कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे यहाँ से हम, यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन ली हमने, ये अनलिमिटेड लाइन होती है। अगर हम वर्टिकल लाइन लगाना चाहते हैं तो बी लिखकर हम इंटर प्रेस करेंगे, तो ये आप देख रहे हैं कि वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है हमें, किसी भी जगह पे हम क्लिक करते जाएं और ये लाइन ड्रा होती जाएगी। यहाँ तक हमने लाइनें लगाई, उसके बाद हम इंटर कर देंगे, तो ये देख रहे हैं आपके लाइनें लग चुकी हैं। सेलेक्ट करके इन्हें हम अरेज करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे यहाँ से हम। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहते हैं तो एच लिख कर हम इंटर करेंगे, ये क्लिक मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे इंटर, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लग चुकी हैं। अरेज, फिर कंस्ट्रक्शन लाइन लूँगा मैं। अगर हम किसी एंगल पर लाइन लगाना चाहते हैं तो ए लिख कर हम इंटर करेंगे, फिर हम उसका एंगल देंगे, अगर हम चाहते हैं 45 के एंगल पर लाइन हो, 45 लिख के हम इंटर करेंगे, तो ये देखें कि 45 के एंगल पे लाइन लग गई है, इंटर। इरेज कर देते हैं हम।